आप सभी विकेश सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग के 20 क्वेश्चन का धुआं धुआं करने वाले हैं, जो कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस पे बेस्ट क्वेश्चन सब रहेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर एक निश्चित पुट भाषा में तारा, एक निश्चित पुट भाषा में टी ए आर ए तारा को लिखा है 1600 लिखा जाए, उसी पुट भाषा में नारा को कैसे लिखा जाएगा। देखिए क्या है, तारा को लिखा है 1600 तारा टी ए आर ए तारा को लिखा है 1600 तो नारा एन ए आर ए नारा को क्या लिखेगा। ये वर्ड की जगह स्थान पे क्या होगा वही हम लोग को चेक करना है, ठीक है। तो देखिए तारा तारा 1600 कैसे आता है, तो सबसे पहले देखिए टी का कोड 20 होता है, ए का 1 होता है, आर का 18 होता है और ए का 1 होता है। तो देखिए 20 एक 21 18 जोड़ेंगे तो 39 से कितना 40 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 1600, जो कि यहाँ दिया हुआ है आपका 1600। उसी तरह नारा नारा का कोड 14 होता है, ए का 1 होता है, आर का 18 होता है, ए का ए होता है। ये हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 14 1 15 15 1 16 16 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 6 14 34 हो जाएगा। तो 34 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 6 16 6 बचा कितना 1, 4 3 12 4 3 12 2 24 1 25 के 5 बचा कितना 2 3 9 2 1 यानी 1156 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, यदि योग का अर्थ है भाग, योग का अर्थ क्या है, योग का अर्थ देखिए क्या दिया हुआ है भाग दिया, योग का अर्थ भाग है और घटाना का अर्थ क्या है गुणा, घटाना का अर्थ क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा और उसके बाद क्या करा है गुणा का अर्थ जोड़ है, गुणा का अर्थ क्या हो जाएगा जोड़ हो जाएगा, इसका मान निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं, ये देखिए क्या हो जाएगा 27 गुणा 3 प्लस कितना 8 भागा 8 27 किया कितना हो जाएगा 81 में भी जोड़ देंगे 82 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर 119 को कितना लिखा है, 199 को 18 लिखा है, 267 को 19 लिखा है, 456 को 26 लिखा है, 678 को वाट, इस वाट के स्थान पे हम लोग को डालना है, अपने वाट के स्थान पे क्या आ जाएगा ये चीज हम लोग को सोचना है। तो देखिए 199 को ऐसा क्या करेंगे कि 18 आ जाएगा, 199 को 18 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यदि 199 है 199 को यदि हम लोग देखिए क्या करें 199 को 1 गुना 9 प्लस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, उसी तरह कितना हो जाएगा 2 को गुना करेंगे 2 गुना 6 प्लस 7 करेंगे कितना 6 गुना 12 7 19 हो गया, इसी तरह आगे वाला कितना 4 गुना 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, आगे वाला कितना 6 गुना 7 प्लस 8 6 7 42 8 कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग को करना है, देखिए 2 4 3 9 8 64 63 के बाद वाट है, इस वाट के स्थान पे हम लोग को क्या लाते हैं, वाट के स्थान पे क्या आएगा, ऐसा क्या लॉजिक लगाएंगे कि वाट के स्थान पे आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए यदि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में यदि कितना 1 घटा देते हैं 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे 1 घटा देंगे तो 8 हो जाएगा, इसी तरह क्या करेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे इसमें क्या करेंगे 1 घटा देंगे, इसी तरह 8 का स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए क्या करेंगे 8 के बाद क्या हो जाएगा 8 के बाद क्या सो 8 63 63 की जगह कितना हो जाएगा 63 का स्क्वायर होता है 9 36 18 18 36 36 39 39 69 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी। फाइव नंबर क्वेश्चन करना है वाई डी डी उसके बाद एच पी एन जी एन जी के बाद क्या दिया हुआ है वाट, इस वाट के स्थान पे हम लोग को लाना है, तो वाट के स्थान पे सोचिए क्या आएगा, थोड़ा सा सोचिएगा सोचिए तो देखिए क्या हो जाएगा बी में यदि हम लोग 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग कितना जोड़ेंगे,
यहाँ पे चार जोड़ेंगे तो आठ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, दो जोड़े फिर चार जोड़े, चार के बाद छह जोड़ेंगे तो आठ से चौदह हो जाएगा। चौदह के बाद हम लोग कितना जोड़ेंगे, तो दो चार छह आठ जोड़ देंगे, तो चौदह में आठ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, बाईस, बाईस हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन देखिए वी यू आपका सी नंबर यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चेक कर लीजिए वाई, वाई में देखिए कितना घटाएंगे कि भी आएगा, तो वाई में यदि तीन घटाते हैं तो भी आ गया। उसके बाद फिर देखिए पी में कितना घटाएंगे, भी में फिर छह घटाएंगे, क्योंकि भी का कोड 22 होता है, 22 में 6 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 16 बच जाएगा, 16 में फिर कितना घटाएंगे, 16 में फिर 9 घटाएंगे, तो 9 7 16, 16 में फिर 7 में फिर कितना घटाएंगे, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। चलिए तो कितना हो जाएगा, तो 12 घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे 7 है, 7 में 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 7 5 12, आपका कोड कितना होता है 5, तो 5 कितना का यू का वैल्यू ये आपका पी यू आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन है सी में। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्या लिखा है, पी वी एफ यू रेशियो जी पी एच एस रेशियो के पी एल यू दो जोड़ देंगे फिर दो घटा देंगे, यही कंडीशन चलेगा। तो के पी एल ओ के में दो जोड़ेंगे तो 11 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। पी में क्या करेंगे, दो घटा देंगे, 16 में दो घटाएंगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर एन में दो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। उसके बाद फिर ओ में क्या करेंगे, दो घटा देंगे तो 13 हो जाएगा। एम एम डबल एन एम हो जाएगा, एम डबल एन एम आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा आपका। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखिए कैसे करेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा। ये देखिए बी का कोड होता है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ये 3 का स्क्वायर हो गया 9 किया। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 16 हो गया तो 5 का स्क्वायर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन से हम लोग मारेंगे। देखिए ई 25 वाई दिया हुआ, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, वाई का कोड 25 होता था, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए इस क्वेश्चन में करा पुदीचेरी का फ्रांस लिखा हुआ है, गोवा 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 से सबसे लास्ट में कौन सा व्यक्ति गए थे, ब्रिटेन स्पेन हॉलैंड, तो गोवा से कौन सा जाएंगे, पुर्तगाल आपका हो जाएगा, गोवा क्या हो जाएगा, पुर्तगाल हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, 62 तो क्या लिखा है, 40 उसका 34 को लिखा है 25 करना है। देखिए कैसे नॉर्मल तरीका से सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 40, तो आपका 40 नहीं लगता है यहाँ से आ जाएगा। इसी तरह आगे वाला करेंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, 64 36 कितना आ जाएगा, 100 वाट के स्थान पर आपका 100 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट 10th नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, 4 8 7 को लिखा है 14 2 6 4 को लिखा है 12 6 3 2 को लिखा है 1 सुहाग के स्थान पर क्या है, क्या नंबर 4 खोजना, देखिए क्या हो जाएगा, 14 को यदि 4 से गुणा कर दे, 14 को 4 से गुणा करेंगे तो 56 आ जाएगा, 8 को यदि 7 से गुणा कर दे तो 56 हो जाएगा, ठीक है। 14 को 7 से किए 4 से किए 56 हो गया। इसी तरह यहाँ पर देखिए 12 को 2 से गुणा करेंगे 24 हो जाएगा, 6 को 2 से गुणा करेंगे 24 हो जाएगा। आप देखिए 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, 6 को 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 कम 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। लाइट प्रॉब्लम के लिए खेद है, इसीलिए 10th क्वेश्चन छोड़ बना के ही हम लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि लाइट का कटी हुई है लगभग 1 घंटा से, लाइट का पता नहीं कब आएगा नहीं आएगा, तो हम लोग 10th क्वेश्चन ही सॉल्व करके छोड़ रहे हैं। अरे वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना।